अगर आपके बालों की कंडीशन ड्राई है तो इससे सिर्फ आपको हेयर फॉल ही नहीं होगा बल्कि आपके बाल दो मुहे भी हो जाएंगे और बाल बीच में से भी टूटने लगेंगे। इसे हम हेयर ब्रेकेज कहते हैं। स्प्लिट एंड्स एंड हेयर ब्रेकेज को रोकने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी DIY जो कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके ड्राई डैमेज एंड स्प्लिट एंड्स को रिकवर करने वाली है, साथ में ब्रेकेज को भी फिक्स करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह। मैं आपके लिए ऐसे हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर की वीडियो लेके आती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके साथ ही ये वीडियो पसंद आ तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बालों में जो दो मुहे की कंडीशन है या अगर आपके बाल बीच में से कमजोर हो गए हैं मिड लेंथ से, तो उन्हें कैसे रिकवर कर सकते हो और ड्राई फ्रीजी अनहेल्दी बालों को कैसे हेल्दी बना सकते हो सिर्फ 10 मिनट के अंदर। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके किचन में अवेलेबल होंगे और आप उन्हें इजिली अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप इन प्रॉब्लम्स को कंडीशनर या सीरम के थ्रू आसानी से रिकवर कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लो पोरोसिटी वाले हेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इन प्रॉब्लम को आसानी से रिकवर किया जा सके। स्प्लिट एंड से हमारे नीचे के बाल मींस टिप हेयर बहुत ही रफ हो जाते हैं, रूखे एंड डिहाइड्रेटेड नजर आते हैं। इसके साथ ही उनका कलर भी फेड होने लगता है और ब्रेकेज की वजह से बाल मिड में से टूटते हैं जिसकी वजह से लोअर हेयर बहुत ही थिन नजर आते हैं। तो अगर आप स्प्लिट एंड्स, ब्रेकेज या हेयर ड्राइनेस से जूझ रहे हैं तो आपके लिए ये DIY बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी एंड हाई पोरोसिटी सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। बस आपको एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए आपको इस DIY को 4 से 5 बार यूज करना पड़े। लेकिन अगर एक बार ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई तो फिर जल्दी से होने वाली नहीं है। लेकिन हाई पोरोसिटी वाले बालों में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जल्दी से रिकवर भी हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा बालों को ध्यान ना दिया जाए, मींस प्रॉपर केयर ना की जाए, तो फिर से अनहेल्दी हो जाते हैं। तो मेरा पॉइंट समझ में आया कि अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो आप इस DIY को 3 से 4 बार जरूर यूज करके देखें और हाई पोरोसिटी वाले इसे सिर्फ 2 बार ही यूज करेंगे। 2 बार में ही उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, हो सकता है 1 बार में ही मिल जाए। तो चलिए इस DIY को प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसे कैसे अपने बालों पे यूज करना है। बालों में स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ड्राइनेस से। जब बालों का नेचुरल मॉइस्चर गायब हो जाता है तो ड्राइनेस की वजह से बाल खींचते हैं और बीच में से टूटने लगते हैं। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्यूटिकल डैमेज से। एक बाल में से जब 2 बाल निकलने लगता है, यानी कि 2 से 3 ब्रांचेस दिखने लगती हैं, तो वो बाल हमारे 2 मुहे हो जाते हैं। बालों को हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंजाइम्स एंड विटामिंस होते हैं जो कि बालों को नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का यूज किया है। आप यहाँ पे नेचुरल या फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 3 टेबल स्पून हनी। शहद हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, उनमें नमी को बरकरार रखता है और नेचुरल शाइन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमें लेना है ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। 2 टेबल स्पून हमें इसमें ऑयल को ऐड कर देना है। एंड देन हम इसमें ऐड करने वाले हैं 4 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल हमारे डैमेज एंड फ्रिजी बालों को रिपेयर करके उन्हें हेल्दी बनाता है, स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है। इसके साथ ही बालों में मॉइस्चर को लंबे समय तक के लिए करार रखता है जिससे बाल ड्राई नहीं होते और वो टूटते नहीं है। इसके साथ ही ये हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है एंड बालों को स्मूथ भी करता है। तो हमने इसमें 4 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से स्पून के थ्रू मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये एक थिकेस्ट पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा जो कि क्रिस्टल की तरह शाइन करेगा। ये DIY आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए या स्प्लिट एंड ब्रेकेज को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करने वाली है। तो अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड ग्रुप में किसी के भी बाल अनहेल्दी हो रहे हैं और वो स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज से परेशान है, देन आप ये DIY उन्हें शेयर कर सकते हैं एंड सिर्फ 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद ही उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद देन हमें अपने बालों पे से अप्लाई करना है। थोड़ा ऊपर से अप्लाई करना स्टार्ट करें, बिकॉज ब्रेकेज की प्रॉब्लम हमारे बालों के किसी भी पार्ट से स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर बाल हमारे मिड में से टूटते हैं, तो जितने ये टॉप के हेयर होते हैं वो तो थिक नज़र आते हैं, लेकिन जो लोअर हेयर होते हैं वो बहुत ही पतले हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बालों पे से अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड देख सकते हैं कि अभी हमारे बाल कितने ज़्यादा यहाँ पे अनहेल्दी एंड रूखे नज़र आ रहे हैं।
बट डोंट वरी, इस DIY को अप्लाई करने के बाद हमारे बाल पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएंगे। जो भी बालों में रफनेस या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो अपने आप मैनेज हो जाएगी एंड हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन भी आएगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे बालों को अच्छे से वेट कर दिया है। ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करेंगे तो बाल पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे और इसे अप्लाई करने के बाद करीब हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही बालों को लीव कर देना है ताकि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो उनमें न्यूट्रिशन है, वो बालों में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद जब 15 मिनट आप लीव करेंगे, बालों को फोल्ड नहीं करना, बन नहीं बनाना, ब्रेड नहीं बनाना, जस्ट बालों को ऐसे ओपन फ्री छोड़ दीजिए और 10 से 15 मिनट बाद आप अपने हेयर को अपने फेवरेट शैम्पू से वॉश कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं एक रीग्रोथ की DIY भी यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कितने ज़्यादा बेबी हेयर नज़र आ रहे हैं। मेरी जो हेयर लाइन है वो रीग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसके लिए भी मैंने DIY शेयर कर दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बालों को वॉश करने के बाद हल्का हल्का में टॉवल से वाइप करना एंड देन बालों को ड्राई करके आप कॉम कर सकते हो। आप यहाँ पे नेचुरल शाइन देख सकते हो बालों में। मैंने कोई सीरम अप्लाई नहीं किया, जस्ट बालों को ड्राई करके मैंने यहाँ पे कॉम कर लिया और आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। बालों में जो बाउंस आपको नज़र आ रहा होगा और बाल पूरी तरीके से रिपेयर हो गए हैं। जो बाल फेड हो गए थे, बालों का कलर डल हो चुका था, वो भी इनहेंस हो चुका है। लेकिन किसी भी DIY प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने बालों को ट्रिम करते रहें। इससे आपकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप बालों को कट करोगे 1 से 2 सेंटीमीटर तो थोड़े से आपके बाल छोटे हो जाएंगे लेकिन वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, हर 3 मंथ में अपने बालों को 1 से 2 सेंटीमीटर कट कर देती हूँ, जिससे जो अनहेल्दी एंड थिन हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इससे बालों में थिकनेस भी इक्वल रहती है और आपके बाल हेल्दी भी नजर आते हैं। अगर आप भी अपने बालों को स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज से बचाना चाहते हैं और हेयर की थिकनेस को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस DIY को जरूर फॉलो करके देखें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। कुछ लोगों को तो तुरंत ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा और तुरंत ही आपके जो भी ब्रेकेज या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो रिकवर हो जाएगी। तो जैसा भी रिजल्ट मिलता है मुझे कॉमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।